Hello people, today I am making a textile print using Adobe Photoshop. So basically आज जो मैं print बना रही हूँ वो एक scarf का design है. So let's start. सबसे पहले मैं एक new canvas open कर रही हूँ. अभी मैं 2000 by 2000 pixels पे अपना print बना रही हूँ, लेकिन बाद में मैं इसको scarf के size पे define करके pattern shift कर दूँगी. So canvas open हो गया हमारा. Background में मैं स्ट्राइप्स ऐड करना चाह रही हूँ. सबसे पहले हम अपना बैकग्राउंड बनाएंगे, तो लेट्स क्रिएट इट. सबसे पहले मैंने स्ट्राइप्स बनाई हैं, सो मैं एक लेयर लेके उस पर एक स्ट्राइप बनाऊँगी. अभी मैं इसका कलर लाइट ही रख रही हूँ, ग्रेश सा. इसी को हम कॉपी करेंगे, लेयर वन को हम कॉपी कर लेंगे. एक ही शेप से हम सारी स्ट्राइप्स बना लेंगे. थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना है. विजुअली मैंने इनका डिस्टेंस इक्वल रखना है. इन सब लेयर्स को मैं मर्ज करके एक साथ ही कॉपी कर लूँगी. इन सब लेयर्स को मैंने मर्ज कर दिया है. एक ही लेयर में आ गए हैं सारी स्ट्राइप्स. थोड़ा सा मैं इसका साइज इंक्रीज कर देती हूँ, ताकि जब हम इस पैटर्न को डिफाइन करें तो कोई इशू ना आए. इवन कर दिया मैंने इसको. अच्छा, बैकग्राउंड हमारा रेडी है. स्ट्राइप्स वाला बैकग्राउंड चाहिए था मुझे, वो मैंने क्रिएट कर लिया. अब मुझे दो एलिमेंट्स चाहिए जो मैं इसके ऊपर यूज़ कर सकूँ, और ऑलरेडी जो मैंने डाउनलोड करके रखे हैं. वेक्टर इमेजेस मैंने ली हुई हैं, तो ये दो एलिमेंट्स मैं अपने प्रिंट में यूज़ करूँगी. एक फ्लावर है वेक्टर, और एक ये पेटल का वेक्टर है. तो सबसे पहले मैं ये फ्लावर को मूव कर लेती हूँ अपने प्रिंट पे. इसका साइज़ बड़ा है, इसके साइज़ को हम छोटा कर देंगे. ऑलराइट, इसको भी हम इसी तरह कॉपी कर लेंगे. ठीक है, ये कॉपी हो गया. नाउ सेकेंड एलिमेंट लेके आते हैं. मेरा एलिमेंट भी हम अपने प्रिंट पे मूव करते हैं. इसका कलर ब्लैक है. ब्लैक और डार्क हो जाएगा, इसलिए हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं. ये वाला कलर इसमें अच्छा लगेगा, इसका कलर मैं चेंज कर दूँगी. और इसका साइज़ भी हम छोटा कर देते हैं. ठीक है, ये एलिमेंट भी हो गया कंप्लीट. इसको भी हम कॉपी कर लेंगे. राइट, सो पहली लेयर हमारी कंप्लीट हो गई है, पहली लाइन, सॉरी. नाउ अब ये होगा कि मैं इसको हाफ ड्रॉप में देना चाह रही हूँ. ठीक है, हाफ ड्रॉप प्रिंट में क्रिएट करना चाह रही हूँ, तो मैं यही तीन फ्लावर्स कॉपी करूँगी नीचे, और इसको मूव करूँगी राइट साइड पर, ताकि ये एक हाफ ड्रॉप इफेक्ट में मैं पूरा पैटर्न क्रिएट कर सकूँ. और पैटर्न्स भी हम कॉपी कर लेते हैं नीचे. एक और पैटर्न हम मूव कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे. like this। दो लाइन्स हमारी कंप्लीट हो गई। इन्हीं दो लाइन्स को मैं कॉपी करके नीचे ले जाऊंगी, पूरा पैटर्न इससे क्रिएट कर लूँगी। थोड़ा सा मैं इसका साइज छोटा कर लेती हूँ, लाइक दिस। और एक एक मुझे एलिमेंट और चाहिए होगा, एक ये वाला कॉपी कर लेना पड़ेगा ऑन द राइट साइड। एक ये पैटर्न कॉपी कर लूँगी मैं। कंप्लीट हो गया ये। इन दोनों लाइंस को मैंने आपस में मर्ज कर दिया है, ठीक है। अब इसको ताकि मैं डायरेक्टली नीचे कॉपी कर सकूं। एक और बार। तो ये हमारा प्रिंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हम देख लेते हैं इसमें कुछ चेंजेस करनी है। बैकग्राउंड की जो स्ट्राइप्स हैं इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क करके देखती हूँ, हो सकता है अच्छा लगे। डार्क करना है, ब्लैक। यस, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इट लुक्स नाइस। सो ऑलमोस्ट हमारा प्रिंट क्या कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इन सब लेयर्स को मैं मर्ज कर दूंगी और फिर मैं इस पूरे पैटर्न को डिफ़ाइन करूंगी। एडिट में जाके डिफ़ाइन पैटर्न करूंगी और मैंने इसको फ्लोरल के नाम से सेव कर लिया, ठीक है। अब इसको मैंने स्कार्फ के साइज़ पे शिफ्ट करना है, तो मैं एक न्यू फाइल ओपन करूंगी। इंचेस में 20 बाय 5, इसकी मैं 35 कर दूँगी, ठीक है। तो इसमें मैं अब इसको एडिट में जाके फिल कर दूँगी। पैटर्न जो ऑलरेडी मैंने डिफ़ाइन कर लिया था वो इसमें, ये देखें पूरा प्रिंट हमारा स्कार्फ का बन गया। इट लुक्स रियली नाइस।